हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है शाम और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। दो दिन से बारिश आ रही है यहाँ पे लगातार, सुबह शुरू होती है और दोपहर तक चलती है। तो अभी एक दो पतंग उड़ रही हैं, अभी पतंग उड़ाएंगे और चल के देखते हैं मेरे पास अभी कितनी पतंग बची हुई है। तो देखिए गाइस, मेरे पास कुछ इतनी पतंग बची हुई है, 3-4 ही पतंग बची हुई है, बाकी पन्नी वगैरह की पतंग है और कुछ डिजाइनर पतंग है। तो अभी मेरी चरखी यहाँ पे रखी हुई है और ये पतंग जिसने दो पतंग काटी थी, अभी इस पतंग को उड़ाएंगे और देखते हैं आगे कोई पेच लड़ाने वाला आएगा तो उससे पेच लड़ाएंगे। अभी हवा थोड़ी कम चल रही है मगर कोशिश करते हैं इसे उड़ाने की। गाइस अभी पोपट हो चुका है, मेरी पतंग फट चुकी है। अभी इसे चेपी से चिपकाते हैं, विशाल के पास चेपी होगी उससे बुलाते हैं और चेपी मंगवाते हैं। तो गाइस अभी पतंग की पट्टी कर दी है, अभी पतंग को उड़ाते हैं और पेच काटते हैं। अभी वहां पे देखो एक पतंग उड़ रही है, जल्दी से उड़ाते हैं और उसके पेच काटते हैं। तो गाइस अभी हमारी पतंग उड़ चुकी है और अभी आगे जो पतंग उड़ रही है उससे पेच लड़ाते हैं। मुझे लग रहा है वो डर रहा है हमसे, मेरी पतंग को देख के उतारने लग गया, फिर भी उससे पेच लड़ाएंगे आज। मेरी पतंग वहां पे उड़ रही है और उसकी पतंग वहां पे उड़ रही है। तो गाइस अभी पेच लड़ने वाले हैं, मस्त काटते। तो गाइस आपके भाई ने पतंग काट दिया, अभी वहां पे आपको दिख रही होगी कट के जा रही है वो पतंग, मस्त पेच काट दिया है। अभी आगे एक भी पतंग नहीं उड़ रही है। और तो गाइस अभी पतंग उड़नी बहुत ही कम हो गई है, कोई इक्की दुक्की पतंग उड़ती है। तो अभी हम अपनी पतंग को उतार लेते हैं और फिर जैसे ही कोई उड़ाएगा तो उड़ा लेंगे। हवा भी कम है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चांस और विशाल पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, पहले उन्हें बुलाते हैं, देखते हैं कहाँ पे है वो। तो अभी हमने पतंग उतार ली है और अब देखते हैं चांस और विशाल क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो पार्क भाग गए। तो गाइस अभी विशाल और चांस आ गए हैं और ये मुझे छोड़ के पार्क भाग गए थे, दोनों पागल पार्क गए थे ना। हमें पता है, मुझे पता लग गई थी। और गाइस अभी आगे एक पतंग उड़ा दिया है, वही पतंग है जो काटी थी मैंने। मुझे लगता है गली में से लूट के ले आया और उड़ाने लग गया है। तो अभी इसकी पतंग और काट देते हैं। तो गाइस अभी हमारी पतंग उड़ चुकी है और विशाल की ड्यूटी लग चुकी है चरखी पकड़ने की, और चांस भी उड़ा रहा पतंग। डुबा देगा पेच लड़ाने दे, अभी अंधेरा होने वाला है तो इसलिए जल्दी से पेच लड़ा लेते हैं उससे, नहीं तो आपको फिर पेच भी नहीं दिखाई देंगे। अभी देखिए वहां उड़ चुकी है हमारी पतंग और वहां पे उस बच्चे की पतंग उड़ रही है। थोड़ी सी रील और बढ़ा लेता हूं, फिर बढ़िया पेच लड़ जाएंगे। मेरा मांझा थोड़ा है, आगे सद्दी है पीछे, बस ये डर है कि सद्दी से पेच लड़ गए ना तो हमारी पतंग कट जाएगी। क्या लगता मैं उसकी पतंग काट दूंगा आराम से? गाइस चरखी देखो मेरी, चैनल के नाम वाली, आज के दिन के दूसरे पेच लड़ने वाले हैं। बहुत तेज हो रही हो। तो गाइस बहुत तेज बच्चा है, नीचे ले जा रहा बार बार पतंग को, नीचे ले जा रहा, आने ही नहीं दे रहा पतंग को काबू में। बहुत लंबे खिंच रहे हैं पेच, काटे। तो गाइस हमारी कट गई है, प्लास्टिक का मांझा था उसका पक्का। तो गाइस अभी हमने कटवा लिया और मैं आपको तेज लपेटना सिखाता हूँ, कैसे लपेटते तेज। स्पीड देखिए मेरी कितनी तेजी से लपेट रहा हूँ मैं, 2 मिनट में पूरी लपेट दूंगा। तो गाइस अभी हमने मांझा लपेट लिया है, अभी शाम भी बहुत हो चुकी है। तो गाइस आज की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी तो रही नहीं, एक पतंग कटवा ली, एक पतंग काटी। तो गाइस जिसने हमारी पतंग काटी है वो बच्चा वहां से उड़ा रहा पतंग, अंधेरे में भी लगा हुआ है। ये होता पतंग का क्रेज, बहुत तगड़ा क्रेज है इसको तो, स्कूल की छुट्टी मार के पतंग उड़ाता है। तो होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाके।